हम देखेंगे रिवॉल्व ऑप्शन का यूज़ हमने लास्ट लोफ देखा था, अंदर हम रिवॉल्व ऑप्शन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है पॉट की डिज़ाइन का। वन मैंने एक सिंपल एक लाइन ली हुई है एंड देन एक पॉट SP लाइन के थ्रू हमने ये कर्व रेडी किया है पॉट का। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे आपको रिवॉल्व करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट का साइड इमेजिनेशन करके कि साइड के एजेस उसके कैसे होंगे वो इमेजिनेशन करके हमने वन साइड ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रिवॉल्व ऑप्शन ले सकते हैं। अगर रिवॉल्व ऑप्शन टाइप आप रिवॉल्व ऑप्शन अगर क्लिक नहीं करते हैं तो आप कमांड के थ्रू भी रिवॉल्व कमांड दे सकते हैं। आप देखेंगे जब भी आप कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे आपको रिवॉल्व अगर दिखा रहा है इट मीन्स रिवॉल्व उसका कमांड है। अगर आप RevolveE कमांड प्रमोट पे भी टाइप करते हैं तो भी ऑप्शन आपको आ जाएगा। रिवॉल्व ऑप्शन आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप रिवॉल्व ऑप्शन क्लिक करते हैं आपको कमांड सिस्टम आपको कमांड देगा स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया एंड देन आप एंड पॉइंट ले लीजिए एक्सिस का। ये हमने कोई भी एक एक्सिस उसको गाइड करके बता दिया। एंड देन आप देखिए कि आपको रिवॉल्व कहाँ तक करना है, 360 डिग्री पे करना है, 180 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 360 डिग्री इट मीन्स कंप्लीट डिग्री पे कर देती हूँ एंड एंटर प्रेस करती हूँ तो वो कम्प्लीट रिवॉल्व हो चुका है 360 डिग्री तक, 0 से 360 डिग्री तक। इस तरह से पूरा पॉट आपका रेडी हो गया। अगर आपको 360 में ना करके फॉर एग्जांपल अगेन मैं बता रही हूँ आपको सेलेक्ट किया मैंने रिवॉल्व ऑप्शन लिया एंड देन एक्सिस स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट एंड 180 डिग्री पे अगर मैं करती हूँ 180 इट मीन्स हाफ 360 का तो ये इस तरह से आपको हाफ डिग्री पे ये शो करेगा। आप ऑर्बिट के थ्रू देख सकते हैं। ओके मेन कंट्रोल सेट एंड देन हम इसे पहले 360 डिग्री पे अगेन एक्सिस लेकर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड देन 360 डिग्री पे हम अगेन कर देते हैं ऐसा। ये हो गया। अब इसे स्ट्रेट मूव करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3D रोटेट ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रेड कलर का आपको एक्सिस सर्कल दिख रहा है तो ये हम वाई एक्सिस क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कंटिन्यू करना ऑर्थो अगर ऑन है इट मीन्स परफेक्ट डिग्रीज में रोटेट होगा। तो हमें जिस तरह से पॉट को रखना है फॉर एग्जाम्पल मुझे जेड एक्सिस पर रखना है तो मैं ये क्लिक करती हूँ और ये जेड एक्सिस पर बिल्कुल मूव हो गया। स्केप करके आप देख सकते हैं, देखिए जिस तरह से आपको पॉट रखना है ना उस तरीके से आपने पॉट बना कर रख लिया। ओके नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसे मूव करके बाहर निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कर्व बनाया हुआ है इस पे ही अगर मैं छोटा सा सर्कल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं इसे रोटेट करके 90 डिग्री पे स्टैंड कर देती हूँ। ये हो गया एंड देन सर्किल सेलेक्ट करिए। सर्किल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे आपको स्वैप दिख रहा है। स्वैप ऑप्शन को क्लिक करिए एंड देन जैसे ही आप स्वैप ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपको पाथ पूछता है सेलेक्ट स्वैप पाथ। तो मैंने पाथ क्लिक किया, देखिए तो ये स्वैप नहीं हो रहा क्योंकि SP लाइन है। नेक्स्ट आप देखिएगा अगर मैं पॉली लाइन से ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉली लाइन से ड्रॉ किया वही सेम है। नेक्स्ट इस सर्कल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मूव कर सकती हूँ या आप नया सर्कल भी न्यू सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड सेलेक्ट करके आप इसे सिंपली अब नॉर्मली रोटेट करना है तो आप जेड एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किया मैंने एंड देन स्वैप ऑप्शन क्लिक करिए, पाथ पे क्लिक करिए। आप देखिए पाथ पे आपको ये स्वैप ऑप्शन कम्प्लीट मिलेगा। इट मीन्स वो उस पाथ पे स्वैप हो जाता है। अगर कर्व भी आपने बनाया रहता तो उस पर भी ये स्वैप हो जाता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्क ड्रॉ किया इस तरीके से एंड देन आपने एक सर्किल बनाया इस तरीके से सेलेक्ट किया आपने एंड देन आप इसे रोटेट कर लीजिए और इस पर फिर स्वैप कर लीजिए स्वैप एंड देन पाथ। ये देखिए ये स्वैप हो गया। ओके फिर से आपका लोफ्ट एक्सट्रूड भी हम पहले कर चुके हैं, लोफ्ट भी हो गया आपका। रिवॉल्व भी आपने देख लिया कि रिवॉल्व का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। स्वैप का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, हमने सॉलिड मॉडल्स भी देख लिए, पॉली सॉलिड भी देख लिए, प्रेसफुल भी देख लिए। नेक्स्ट सेशन आपका आता है मैश का। मैश का यूज़ हम